एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। ये शब्द कब आते हैं व्यक्ति की जुबान पर? जब सारे सहारे छूट जाते हैं, सारे भरोसे टूट जाते हैं। ये बात सत्य है। पहले तो खूब भागता है, पहले खूब दौड़ लगाता है, ये भी सुनेगा, ये काम कर देगा, यहाँ काम बन जाएगा, वहाँ काम हो जाएगा। लेकिन कभी जीवन में जब ऐसी अवस्था आती है कि कोई नहीं सुनता है, तब गोविंद याद आता है, तब कृष्ण आता है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। द्रौपदी को भी जब लगा कि अब कुछ होने वाला नहीं है, तब कृष्ण को पुकारा, हे गोविंद, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। और वो कहीं दूर थे ही नहीं, और ये सत्य है कि भगवान कहीं दूर है ही नहीं हमसे, बिल्कुल नजदीक है, इतना नजदीक कि कोई और है ही नहीं। बस वो यही देखता है कि कब तुम उसको कहो, याद करो, पुकारो, और वो तुम्हारे सामने हो। वो दूर थे ही नहीं, पास ही तो थे ही। बस द्रौपदी ने पुकारा और भगवान ने मानो ऐसा चीर बढ़ाया कि सब चीर खींचने वाले थक गए, देखने वाले थक गए, सब परास्त और हताश हो गए, लेकिन द्रौपदी का चीर कम नहीं पड़ा। इस आर्त भाव से जब पुकारोगे तो सत्य यही है कि वो कहीं भी रहेगा, कोई भी काम तुम्हारा बिगड़ने नहीं देगा। पर भरोसा भी करना पड़ता है। हमारा तो भरोसे ऐसे होते हैं कि थोड़ी सी देर भरोसा करते हैं, अगर काम बनता है तो ठीक, नहीं बनता तो फिर दूसरी ओर चले जाते हैं। राम जी ने नहीं सुनी तो ठाकुर जी सुनेंगे, ठाकुर जी ने नहीं सुनी तो भोले बाबा सुनेंगे, भोलेनाथ ने नहीं सुनी तो देवी जी को सुना देंगे, देवी बात सुनेंगे, कोई तो सुनेगा। 33 कोटि देवता है तो फायदा तो उठाओ। हमारे तो मन में ही ऐसा भाव है कि भगवान को भी अगर लगे तो रिश्वत दे दे थोड़ी सी और काम बनवा ले। हर जगह चलती है ना दुनियादारी में, तो यहाँ तक कि विवाह पढ़वाने के लिए जब पंडित जी जब पढ़ने आते हैं तो उसमें भी, अरे भैया विवाह के मंत्र जल्दी जल्दी पढ़ लो, लो ये 2000 का पकड़ो, वहां भी दे देते हैं। चतुराई चाला की भीतर ही भरी हुई है। ये व्यक्ति नदी पार करने लगा था तो सोचता है कि नदी में पानी बहुत ज्यादा होगा, तो हनुमान जी को याद करके कहता है, हे बजरंगबली, 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, नदी सही सलामत पार करवा देना। ऐसा सोच करके पानी में उतर गया और नदी पार करने लगा, और नदी बस पार होने ही वाली थी, इसने नीचे की ओर देखा तो पानी तो घुटने से ऊपर ही नहीं था। इसने कहा, घाटे का सौदा कर लिया ये तो, 51 रुपए चले जाएंगे, पानी इतना कम है ये मुझे पता होता नदी में तो मैं 51 रुपए का प्रसाद बोलता ही क्यों। बस ऐसा भाव आया कि अगला कदम रखा तो एक गड्ढा आ गया और ये गर्दन तक धंसा चला गया। तुरंत इधर उधर देख के कहता है, मुझे क्या पता था बगल में ही बैठे सुन रहे हो, हे प्रभु बचाइए मुझे, हे बजरंग बली बचाइए, 51 रुपए का नहीं, 101 का चढ़ाऊंगा, पर पार कर दो। ये तो वो वाली बात हो गई, मरता क्या नहीं करता। तो जब बिल्कुल मरने पे हैं तब ये याद कर लिया, और बाकी सब जगह सब दिन सब समय भूल गए उसको, और फिर कुछ काम नहीं बना तो दोष भी उसी पे मर दिया कि तू भगवान है ही नहीं। चालाकी चतुराई हमारे पास है। जैसा मैं हर बार सुनाती, कई बार सुनाती हूँ कि माता जी रोज मंदिर जाके कहती हैं कि हे भगवान मेरे घर पोता आ जाए, पोता आ जाए, पोता आ जाए, और जाते जाते काले काले पिल पिले से पेल वो केले ले जाती हैं चढ़ाने के लिए।
दुकानदार कहता है कि बढ़िया वाले ले जाओ माता जी, ये अच्छे हैं। ये कहती कि नहीं नहीं, खाने के लिए नहीं चाहिए, चढ़ाने के लिए चाहिए। तो ये बिल्कुल सस्ते सस्ते से, और जहां तक कि उसने फेंकने के लिए रखे यही दे दो, भगवान कौन सा खा रहे हैं। रोज लेके जाएं वही काले काले से पिलपिले से केले, और चढ़ा के बोलेंगे पोता आ जाए भगवान, पोता आ जाए। और माता भगवान ने कुछ दिन बाद सुनी और इनके घर पोता आ गया, लेकिन बिल्कुल वैसा ही आया, पिलपिला सा, काला काला, वैसे ही पिलपिला सा। अब तो रोते रोते फिर पहुंच गई कि भगवान पोता मांगा था, कोई ऐसा थोड़ी मांगा था। भगवान भी कहते माता जी मैंने भी केले ऐसे नहीं मांगे थे, कोई ऐसा थोड़ी खाली ही हाथ आ जाते, मैं कौन सा कह रहा था कि केले ही लेकर आ। तो चतुराई तो हमारे भीतर भरी है, और दोष भगवान को और देवताओं को देते। जो नोट दुनिया में कहीं नहीं चलता, चार जगह से चिपका हुआ है, उसी को ऐसे ऐसे करके दान पेटी में डाल देते। मंदिर में तो चल ही जाएगा, भगवान कौन सा देखते हैं। सोचो कि वो देखता नहीं तो मंदिर में तुम कर क्या रहे हो। जब तुम्हें भरोसा ही है कि मंदिर में भगवान नहीं देख रहा है, तुम्हारा चिपका हुआ नोट नहीं दिखेगा उसको, तो तुम्हारा मन कैसे दिख जाएगा, तुम्हारी भक्ति कैसे दिख जाएगी। पर हर जगह व्यक्ति बुद्धि लगाता है, चतुराई करता है और दोष देता है भगवान को।